आज भी जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं, चाहे इंडिया से चाइना की वॉरफेयर हो, तो हम कंपेयर करने लगते हैं उनका आर्सेनल, उनके पास कौन से फाइटर प्लेन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, कौन सी मिसाइल्स हैं। तो अब देखिए, हम बात करते हैं सबमरीन्स की, टैंक्स की, मिसाइल्स की, फाइटर प्लेन्स की। पर 1944 में जापान ने बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी, बहुत ही रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी का यूज किया। उसने यूज किया पेपर बलून को, पेपर बलून जो कि पैसिफिक जेट स्टीम के द्वारा वो डायरेक्ट होते थे, जहां उनको टारगेट तक पहुंचाना है वहां पर उनको पहुंचाया जाता था, और उसमें इंसेंडरी वेपन्स होते थे, जो दिवाली के पटाखे होते हैं उनका एक बड़ा रूप होता था। जो भी उसके पास जाएगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है, जो भी आसपास लोग होंगे उनको भी डैमेज करता था, और रिहायशी इलाकों में भी काफी ज्यादा इससे आतंक फैला। सिंपल सा काम है, पैसिफिक जेट स्टीम से होते हुए वो जो पेपर बलून है वो अपने टारगेट तक जाएगा और वहां पर जाके ये हाहाकार मचाएगा। तो ये जापान ने 1944 में यूज किया था अमेरिका के खिलाफ। इसका नाम था फ्यूगो बलून, FUGO।